ले जी माशाल्लाह इस वक्त जो हम करके आए हैं अपना जिस लेक या झील को देख के आए हैं उसके लिए ये जो लोग किस तरह जो हैं कट्ठे कट्ठे हाँ पूरे का पूरा हेलो हेलो ये ससरी ले जी असल अब हमें ये लोग जिस तरह आ रहे हैं जौक दर जौक और इस तरह इधर चढ़ के ये जो झील जो लेक जिस पे अभी हमें कोई रौनक या रश नज़र नहीं आ रहा था अब उधर लोग जो हैं वो ग्रुपों की शक्ल में जो है आ रहे हैं और बढ़ता जाएगा रश क्योंकि अभी हमने देखा वहाँ के आके कैमरे फिट किए जा रहे थे और असल वाकई जब जहाँ तक टूरिस्ट का रश नज़र ना आए लगता है कि जैसे कोई ये इतनी मशहूर जगह नहीं है लेकिन हम क्योंकि बहुत अर्ली निकल आए थे हमने जाके जुमा पढ़ना है हमारी वापसी हो रही है और इन लोगों का अब एंजॉयमेंट का टाइम हो रहा है। लो जी माशाल्लाह जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन और हम इस वक्त 20 अफराद पे मुश्तमिल ग्रुप जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी से चला था 3 दिन पहले आज हम कजाकिस्तान के टूर में अलमाटी शहर से निकले घंटा पहले और 60 किलोमीटर फासला तय करते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों या वादियों के बीच में पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर के बाद चलते चलते हम एक लेक पे पहुंचेंगे और मेरा ख्याल है कि जो दोस्त हमारे साथ शामिल नहीं है लेक झील उसको कहते हैं तो ये देखें मंज़र ये पहाड़ों के ऊपर इस तरह का जो खूबसूरत मंज़र है इसको अक्सर व बेशतर आप शायरों की शायरी में सुनते हैं या फिर ये है कि जो फिल्में बनती हैं उसके अंदर इनको दिखाया जाता है तो आपको घर में बैठे मुफ्त हम दिखा रहे हैं एंजॉय करें दोस्तों के चेहरे देखें खिले खिले। कभी हमने ज़िंदगी में सोचा था कि हम कजाकिस्तान के पहाड़ों या वादियों में इस तरह घूम रहे होंगे और वो भी 20 अफराद इकट्ठे क्या बात है अल्लाह ताला की देन है पाकिस्तान रब वाकी सुखी सुखी गलियों में घूमने वाले अफराद आज यहाँ कजाकिस्तान की पहाड़ियों के बीच घूम रहे हैं माशाल्लाह। अभी ये देखें इतना खूबसूरत इन्होंने रास्ता बना दिया है पहाड़ों के बीच से क्योंकि लेक तक ये गाड़ियों को जाने की प्राइवेट इजाज़त नहीं है यहाँ से उन्होंने रखा है कि 10-15 मिनट आप पैदल चलें इस नेचुरल सीन्स को मज़े लें और फिर वहाँ जा कर लेक पर आप जो देखना है देखें क्या वजह है क्या अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि हम लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में आ बसें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हो सकता है लोग वक़्त के इमाम जो आज के दौर के इमाम मेहदी हैं उनको मानने का ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है वरना आज हम भी पाकिस्तान के मज़ारों पे वो शुभ शुभ सरकार या दूसरी जगहों पे जाके तो सुभान अल्लाह और क्या बातें कर रहे होना था ये सब उस मेहदी को मानने का रिज़ल्ट है कि अल्लाह ने फजलों से नवाज दिया और हम इस तरह जनाब दुनिया जहान में घूम रहे हैं दुनिया की खूबसूरती देख रहे हैं ये देखें ये मंज़र जो है क्या ज़बरदस्त खूबसूरत इलाकों में जहाँ इंसान को ये नज़ारे भाते हैं अल्लाह ताला के पैदा करदा इन जानवरों को भी ये खूबसूरतियाँ बड़ी पसंद आती हैं इसलिए मेरा ख्याल है कि हम जो है ना सारे इकट्ठे होकर चलें इत्तफाक में कहते हैं बरकत होती है अगर कोई ऐसा नज़ारा कोई आपका मुवाज़ा हो गया तो फिर बहरहाल जी जो चीज़ हम देख रहे हैं आपको भी साथ साथ दिखाते जा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने रस्ते में बोर्ड्स पे लिखी हुई हैं लेकिन इनकी ज़बान में इंग्लिश में नहीं है इसलिए बस दिखाने पर इत्तफाक करेंगे बताने पर मुश्किल है ज़रा लग रहा है कि यहाँ कोई लोग रहते भी हैं इस इलाके में या तो ये है कि ड्यूटी वाला कोई होगा कोई सिक्योरिटी वाला सिस्टम कोई बोर्ड लगा हुआ ऊपर वो सामने लिखा हुआ कुछ तो हो भी सकता है कोई इनका ये देखें जी जिस जगह हम जाना चाह रहे हैं ना उसका एक किनारा आपके सामने है पानी आप देख पा रहे हैं ये लेक इसका क्या नाम बताया जी इन्होंने लेक का इजी की माशाल्लाह और इस साइड पे जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये भी साथ मौजूद हैं इन सब नज़ारों में से सबसे ज़्यादा नज़ारा खूबसूरत ये 20 दोस्त हैं क्योंकि इनके साथ ही ये सारी रौनकें हैं देख रहे हैं आप कैसे आहिस्ता 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 गपशप लगाते चल रहे हैं और मेरा ख्याल है किसी बंदे ने सही कहा था इश्तियाक अहमद ने
कि ये है लक्ष्री लक्ष्री लम्हात आपकी जिंदगी के, लक्ष्री लम्हात, और वाकई ये लक्ष्री लम्हात है। किसी भी पहाड़ की चोटी को जब हम देखते हैं इस तरह बादलों के अंदर ढकी हुई, हमारे एक बहुत ही प्यारे अब्दुल वहीद वड़ाइच हमें याद आ जाते हैं, जिन्होंने साथ बड़ी दुनिया की चोटियां सर की और आखिरी चोटी जो थी उसको सर करते करते शहादत का रुतबा पाया। ये देखिए, देखिए रास्ते से अगर हट के ही कोई जाना चाहे तो यहाँ से होता हुआ इन पत्थरों के ऊपर ऊपर वो लेक पे पहुँच सकता है, लेकिन हम सिराते मुस्तकीम को अख्तियार करेंगे और प्रॉपर रास्ते से जाएंगे। लेक के नज़ारे जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत ये पहाड़ों का दामन है। ऊपर बर्फ़ आप देख पा रहे हैं और इस साइड पे सरसब्ज दरख्त हैं जी। चप्पा चम्मा चप्पा आपको जो है ना साथ साथ लेक के व्यूज जो हैं और पहाड़ों का दिखा रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा स्केच दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ जो इन्होंने लेक या पानी दिखाया हुआ है, फिर कुछ खुश्क बिल्कुल फटी हुई ज़मीन और फिर ये खूबसूरत। अब ये ज़बान दूसरी है इसलिए कुछ बताना मुश्किल है। देखिए ये लोग कैसे कैसे अपना शौक पूरा कर रहे हैं, पहाड़ों के आगे खड़े होके तरह तरह के पोज। आज की दुनिया जो है उसके लिए ये बहुत अहमियत रखता है। कमाल हो गई। ये देखें ये मंज़र जब देखते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल 3D जो तस्वीर होती है ना वो वाली इस जगह पे हमारे सामने है। हालांकि ये नेचुरल सीन है, बैक पे भी अगर आप देखें ऊपर पहाड़ों को जिस तरह से खूबसूरत दरख्त और बीच में जो इम्तज़ाज है दूसरे कलर के पत्ते नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे 3D तस्वीर देख रहे हैं। कोई खूबसूरत मंज़र है पहाड़ियों के बीच में, इसको आप खूबसूरत वादी कह सकते हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अगर बंदा साइड को कैप्चर करता चला जाए बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं ये देखने वाले। बहरहाल फिर जी बैक पे आप देख रहे हैं वो लेक और साथ वो हसीन मनाजर, खूबसूरत सरसब्ज़ा जो चीज़ है, और ये लेक को हम जाके भी टच करेंगे, नीचे जाएंगे जी। अब हम आपको लेके चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता लेक जो दूर से खूबसूरत नज़र आ रही थी उसके पास पानी को जाके टच करते हैं। ये उतरने का रास्ता एक ये भी है और कुछ और भी रास्ते हैं, लेकिन ये क्योंकि सामने आ गया तो मैंने कहा चलें इसी को ले लेते हैं। क्योंकि किस तरह लोग जो हैं यहाँ घोड़े के ऊपर बैठ के अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं, पीछे वो जो है वो लेक का पानी है। चलते चलते अब हम इन वादियों के अंदर साइडों पे खूबसूरत पहाड़ और बीच में ये लेक। मैंने झील सैफुल मलूक तो नहीं देखी हुई लाइव वीडियोस में सिर्फ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो लेक है खूबसूरत इसका पानी जो है कम से कम ये उस सैफुल मलूक लेक से कहीं ज़्यादा साफ होगा। ये कुछ दोस्त अभी ऐसा नीचे उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये बोर्ड लगे हुए हैं कि ये आपने गंद नहीं डालना, तो लोग जो हैं उसका ख्याल भी रखते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि वहाँ लोग जो जाते हैं वहाँ जो मर्जी लिखा हो उन्होंने जो करना होता कर गुज़रते हैं। बाकी तरह तरह की फ़ोटोग्राफी चल रही है, छोटे बच्चे और ख़तरा ले रही है माँ उस बच्चे को छोटे को छोड़ के कि वो पोज बनाए और तस्वीरें खींचे, हालांकि बैक पे उसके अगर थोड़ा सा पाँव फिसले तो ख़तरा है। बहरहाल कहते हैं आज के दौर में सोशल मीडिया के आगे जान की भी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग वहाँ बैठ के पिकनिक भी मना रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल पानी के किनारे पे पहुँच चुके हैं। यहाँ कुछ फोटोग्राफी का भी एहतमाम है। ले जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लेक या झील के बिल्कुल पास। ये देखें सामने ये पानी का किनारा है और साइडों पे थोड़ा बहुत वो आ रहा है नजर, लेकिन इस तरह बोतलें नहीं है। बहुत ही अफजल है वीडियोस बनाना माशाल्लाह, ये कमाल हो गया। दुनिया में अपनी वीडियोस की वजह से मशहूरी हासिल कर ली।
ये हमारे जनाब मंसूर साहब हैं, कमाल किस्म की कमेंट्री करते हैं, आप सुन रहे हैं। फजल है उसके साथ और ये जबरदस्त कमाल, वेरी नाइस। अब्दुल जलील इबाद साहब, ये देखें जी, तस्वीरों का जो शौक होता है ना इंसान का, वो हर खूबसूरत सीन के साथ बढ़ता चला जाता है। ये पीछे हमें पानी नज़र आ रहा है। अब जिन लोगों ने सैफुल मुलुक झील देखी है वो बता सकते हैं वो वाला सीन और ये वाला सीन कितना फ़र्क है। जी हर इंसान जो तस्वीरें खींचता है वो बताता है कि कमाल की तस्वीर बनाई है, लेकिन अल्लाह ने जो तस्वीर बना दी है कमाल की। ये सीन जो है ना, ये लगता है ऐसे 3D होती है। नीचे ये लेक है, क्या खामोशी है, और हवा के साथ जो पानी के अंदर लहरें बन रही हैं छोटी छोटी, ज़बरदस्त किस्म का ये नज़ारा है, खामोशी इंतहा की। और